बोला मैं रेडी हो जाऊंगी। हाँ हाँ ओके ओके करी। चलो 3 2 1। एनी उधर कौन है? मैं हूँ ना यहाँ पे, इधर देखिए। बस तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता है, ये देखो मैं इधर खड़ी होंगी, मेरे पैरों से ऐसे कैमरे को ऊपर लेकर आना मेरे फेस पे, और मैं यूं बाल घुमाऊंगी तो मेरे फेस पे ले आना, ठीक है? समझी? हाँ समझ। चलो रेडी? रेडी। चलो 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 चलो। ओके 3 2 1। हेलो इधर हूँ मैं, इधर है ना मेरा चेहरा। तुम्हें तो कहा था पाँव में करो। तो पैरों से फेस पे लेकर आना है, नहीं क्या हो गया, इधर अटक थोड़ी जाने, सही से करो यार। चलो 3 2 1 रेडी। अब क्या हो गया यार एनी? तुम्हें पता भी है घर में क्या चल रहा है, किसी की फिक्र है भी या नहीं? सब पता है मुझे घर में क्या चल रहा है, इसलिए मैं आज उस नान से मिलने गई। क्या तुम फिर अफनान से मिलने गई थी? तुम तो ऐसे बोलो जैसे मैं रोजाना उससे मिलने जाती हूँ। जैसे अगर मेरा बस चले ना तो मैं रोजाना उससे मिलने जाऊँ। तुम्हें पता है उससे बातें करना, उसको देखना, उसकी बातें सुनना मुझे इतना पसंद है, और वो खुद भी मुझे बहुत पसंद है। तुम पागल हो गई हो? इसमें पागल होने वाली क्या बात? वैसे भी मैं अपने रिश्ते के बारे में उसको बता के आ चुकी हूँ। तुम्हारा एक रिश्ता और भी आया जिसके तुम्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं है। एक तो मैं अम्मी को समझा समझा के ना थक गई हूँ, एक दफा ये रिश्ते वाली खाला मेरे हाथ चढ़ जाए ना उसके बाद इस घर का रास्ता तो ऐसे बुलवाऊंगी मैं उनको। ये रिश्ते वाली खाला नहीं लेके आएंगे। व्हाटएवर यार, जो भी लेकर आया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कौन सा शादी कर लेनी है। रमशा तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। तुम ये बताओ कि अफनान ने तुम्हारे रिश्ते का सुन के क्या कहा? कह रहा था कि अपने अम्मी अब्बू से कहो अभी तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम छोटी हो तुम्हें पढ़ाई करनी, बस यही कहा। हाँ तो और क्या कहना था? मेरा मतलब ये नहीं कहा कि अपने घर वालों को भेजेगा तुम्हारे रिश्ते के लिए। पागल हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैं उसकी फैमिली में से किसी से भी नहीं मिली, तो रिश्ता कहाँ से आ गया फिर? तो उसने ये कहा कि वो अपने घर वालों से मिलवाएगा तुम्हें? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने। ये भी नहीं कहा? तो वो सीरियस नहीं है तुम्हारे साथ? पागल हो गई हो, ऐसे कैसे सीरियस नहीं है? अगर सीरियस नहीं होता ना तो मेरे एक दफा के कहने पे आ नहीं जाता और मुझे कहता कि अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लो। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने तो कहा है कि अपने घर वालों से कहो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, पढ़ाई करनी। और मैं सोच रही हूँ कि ये बहाना काफी अच्छा है वैसे अम्मी अब्बू को पटाने के लिए, इस तरह मुझे कुछ दिन भी मिल जाएंगे और अफनान की फैमिली से इजिली मिल भी सकूंगी। होश के नाखून लो रमशा। एनी तुम्हारा रिश्ता अम्मी ने। एनी क्या भाई तुम लोग इस टाइम क्या यहाँ छुप छुप के बातें कर रहे हो? ऐसी बातें कर रहे थे। ऐसे ही क्या बातें, सारा दिन बातें करते हो, इस टाइम भी बातें कर रहे हो, खत्म नहीं होती तुम लोगों की बातें, सोना नहीं? चलो जी अम्मी, बाय बाय रमशा। चलो अरे पप्पू ऐसे क्यों खड़े हो अफनान? वो मैं अलीजे का इंतजार कर रहा था। बाय द वे अब तक आई क्यों नहीं? काफी लेट हो गया, इस वक्त तक तो ऑफिस से आ जाती है वो। लेकिन उसे तो घर आए हुए काफी देर हो गई है। फिनली तो मुझे क्यों नहीं पता चला, कहाँ है वो? तो तुमसे मुलाकात नहीं हुई क्या? नहीं। अपने कमरे में, जब से ऑफिस से आई अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, मुझे लगा शायद ऑफिस का काम ज्यादा होगा, पूछने की भी कोशिश की लेकिन उसे सही जवाब नहीं दिया।
तुम ही पूछ लो। अच्छा ठीक, आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। कमाल है भाई मैडम, पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूं और आप हैं कि यहां कमरे के कोने में खड़ी हैं। क्या हुआ है? अरे भाई तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ है? सुन रही हूं मैं। सुन रही हो? मूड ऑफ है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? पप्पा बता रही थी कि जब से तुम ऑफिस से आई हो तुम कमरे में बंद हो, कुछ तो हुआ होगा ना। पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। हैरत है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? उनसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा ना भाई, मुझे तो इस बात के बारे में पता ही नहीं है। चलो मैं गेस कर लेता हूँ, पप्पो ने कुछ कहा है, डांटा है उन्हें? नहीं, पप्पो ने नहीं डांटा तो बाबा जान। लेकिन बाबा जान तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो अब बचा कौन? यानी मैं। लेकिन सरकार मेरी क्या जरूरत कि मैं जनाब के आगे कुछ भी कह सकूं? तुम मेरे सामने कुछ कह नहीं सकते, पर कर तुम सब कुछ सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ओ प्लीज अफ़तान, स्टॉप टेस्टिंग माय पेशेंस। बहुत झूठ बोल लिया तुमने। कितना झूठ बोलोगे? जब तुम ऑफिस में नहीं थे तो तुमने मुझसे क्यों बोला कि तुम ऑफिस में हो? नहीं अलीज़े, मैं ऑफिस में था। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। कौन थी वो लड़की अफनान? अफनान कौन थी वो लड़की? अलीज़े मेरी। तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? अलीज़े अलीज़े तुम मेरी क्या कहना चाह रहे हो, बोलो ना। अच्छा मुझे बोलने दोगी तो जवाब दूंगा ना मैं। अलीज़े तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से। अलीज़े प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा करो। क्या सबसे ज्यादा भरोसा मैंने तुम पे किया था और तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ा है तुम पे। सो डिसअपॉइंटेड विद यू अफनान। क्या बात है, अलीज़े इतने गुस्से में क्यों गई है? तानी पुप्पो, मुझे नहीं पता उसे क्या। Excuse me.